नमस्कार, एमपी न्यूज नेटवर्क के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले जी से। सर, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। निर्वाचन को लेकर इस बार जिले में काफ़ी सारी तैयारियां की गई है। हम कुछ चंद तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि हमारे साथ साथ इस जिले की जनता को भी जानना जरूरी है। निर्वाचन के लिए हम लोगों ने मतदान केंद्र तैयार कराए हैं, वहाँ AMF की तैयारियां की है ताकि कोई भी मतदाता यदि आए वहां पर तो उसको पूरी सुविधाएं मिले। साथ ही साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिए हमने बड़े विशेष काम किए हैं, उनके लिए व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल ऐसी व्यवस्था की है। अब हम लोग उनके परिवहन की भी व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देश पर कर रहे हैं। सुसज्जित उनको मतदान केंद्र मिलेंगे। कोई भी दिव्यांग आता है या वृद्धजन आते हैं उनका तिलक से फूलमाला से हम लोग स्वागत करेंगे। और हम लोग इसके साथ साथ स्वीप में भी पर्याप्त काम कर रहे हैं। स्वीप में चाहे गर्भवती माताएं हों, बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों, नवीन मतदाता हों, हम लोग ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं छोड़ रहे हैं और उनसे जुड़ने का कोई भी माध्यम नहीं छोड़ रहे हैं जिससे हम लोग उनको प्रेरित न कर पाएं। तो हम लोग स्वीप में भी जो यहाँ का निमाड़ का लोकल कल्चर है जिससे वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें और वापस मिट्टी से जुड़ाव महसूस करें, हम लोग ऐसे नवाचारों को पकड़ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। जी, इस बार ये भी देखने में आया है कि जो पिछले कई वर्षों से, चूंकि मैं यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन ये देखने में नहीं है जितना प्रचार प्रसार मतदान को लेकर किया जा रहा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है, शायद ही इसके पहले यहाँ कभी रहा हो। तो ये प्रचार प्रसार को लेकर क्या लगता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? ऑलरेडी यहाँ पर मतदान बड़ा अच्छा होता है, लगभग 71% के आसपास पिछले चुनाव में हुआ है। हम लोग इसको 10-12% और बढ़ाने का सोच रहे हैं और इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया का माध्यम हो या सांझा फूली जैसा लोकल निर्माण का कल्चर हो या कुकिंग कंपटीशन हो या सिंगाजी का कोई मेला हो जिसके माध्यम से हम एक बड़े जन समुदाय को प्रेरित कर सकें, हम लोग हर माध्यम को पकड़ रहे हैं। और हम, जैसा कि आपने कहा, वास्तव में हम लोग बहुत तामझाम से जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और हर मतदाता तक जा रहे हैं ताकि हर कोई आए और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। खास तौर पर जो नए मतदाता हैं जो अभी बिल्कुल पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए आपने भी, चूंकि कॉलेज में भी काफ़ी कैंपेन चलाए हैं और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताओं से उनको जोड़ा है, तो इस बार इनका परसेंटेज क्या रहेगा और इनका जैसे मतदान के लिए इनकी क्या भूमिका रहेगी? युवा देश का भविष्य है और हम लोगों ने पहले तो इंश्योर किया कि हर युवा मतदाता सूची में जुड़ जाए। तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि 18 वर्ष से अधिक हर व्यक्ति यहाँ पर मतदाता सूची में शामिल हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने इनके कैंपस में जा जाकर भाषण प्रतियोगिताएं, डिबेट, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता ये सब कराई। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो इंटरेस्ट नहीं रखते हों, तो हम लोगों ने फिर ऐसे कुछ सोशल मीडिया के साधन जैसे कि बॉलीवुड के मेम्स या कोई ऐसे मजाकिया मेम या सोशल मीडिया पर देख भाई सीरीज़ चलती है तो उसको अपना कर हम लोगों ने इनको भी अट्रैक्ट करने का प्रयास किया। फिर हमारे ये युवा साथी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी देख सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो या फिर नगर निगम की कचरा गाड़ी हो, हमने हर तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे संदेश लिखे हैं कि वो लोग प्रेरित हों। और हम लोग रोज़ सुबह उनको मैसेज भी भेज रहे हैं, हर युवा मतदाता हमसे जुड़ा हुआ है चाहे SMS के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग हर किसी को रोज़ मैसेज भेज रहे हैं, रोज़ एक नया मीम जारी करते हैं जिससे उनको मैसेज जाए और रिमाइंड हो कि 28 नवंबर को मतदान करना है। युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी में, इसके अलावा बूथ स्तर पर भी तैयारियां की जा चुकी है। कलेक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा कि इस बार बूथ स्तर पर क्या क्या तैयारियां की गई है? हम लोगों ने हर बूथ स्तर पर रंगोली प्रतियोगिताएं, बच्चों के साथ, युवा मतदाताओं के साथ और ग्रामीणों के साथ रैली का आयोजन किया है ताकि लोगों को पता रहे कि मतदान कब होना है। सांझा फूली हम लोगों ने हर जगह किया है। जो लोक त्यौहार आते हैं जैसे अभी हर तीजा आई थी या दशहरा आया था, हम लोग इन माध्यमों को भी उपयोग करते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमने मटकी फोड़ की है तो हम लोग इसका उपयोग हर बूथ पर हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ हम लोग हर बूथ पर अभी हम लोगों ने निर्वाचन ध्वज बनाया है और वो ध्वज हर बूथ पर जा रहा है और हर बूथ के लोगों को प्रेरित भी करेगा, हर बूथ के लोगों को शपथ भी दिलाएगा मतदान की और एक जागृति पैदा करेगा। और निर्वाचन के हम लोग एक हफ्ता पहले हर किसी को हल्दी और चावल देकर निर्वाचन के लिए आमंत्रित भी करेंगे।
बहुत ही अच्छी बात कही है कलेक्टर साहब ने कि जिस प्रकार से जो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे कुछ ऐसे दिव्यांग लोग हैं, उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। नए लोगों के लिए जो हल्दी कुकू देकर जो भारतीय प्राचीन परंपरा है उसी के अनुसार जो है उनको आमंत्रित किया जाएगा। कलेक्टर साहब, जो स्थितियाँ अभी बनी थी बीच में कि स्ट्रॉन्ग रूम की जगह चेंज कर दी गई, ये भी इस ज़िले में शायद पहली बार ही हुआ है। और जो लोगों का कहना था कि इतनी ज़्यादा कसावट कर दी गई कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आज करवाने को तैयार है सर। हम लोग आचार संहिता लगने के पहले से ही हम लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे थे, चाहे वो आदेश जारी करना हो या फिर शस्त्र जमा करना हो या फिर अन्य तरह की पूर्व तैयारियां सामग्री वितरण से रिलेटेड हैं। हम लोग उन आचार संहिता लगने के पहले से ही तैयार थे। स्वीप का प्रचार भी हम लोगों ने आचार संहिता के पहले से चालू कर दिया था ताकि आचार संहिता लगते ही हम लोग फुल मोड में आ जाएं। जहां तक स्ट्रॉन्ग रूम परिवर्तन की बात थी, वो यहां पर तत्कालीन निजी स्कूल में लगता था जो कि अब शासन द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि स्ट्रॉन्ग रूम को ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ ज़्यादा स्पेस हो, जहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से मशीन्स रख पाएँ, जहाँ काउंटिंग ज़्यादा बड़े कमरों में हो पाए। तो हम लोग उसको शासकीय परिसर में ले गए ताकि वहाँ पर बंद चार दीवारी में और अभ्यर्थियों की भी सुविधा के साथ काउंटिंग और स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था हो पाए। सर, अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं आपके माध्यम से समस्त जनता, समस्त मतदाताओं से निवेदन करूँगा कि आपको ये सुनहरा अवसर मिलता है सीधे सीधे शासन में भागीदारी करने का। मेरा निवेदन है आप सभी 28 नवंबर को ज़रूर मतदान करने आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर करें। धन्यवाद। जरूर मतदान करें और जहां तक हो सके दूसरों को भी मतदान के लिए, मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित करें। सर, अब चूंकि चुनावी बात सारी हो चुकी है, अब आचार संहिता को लेकर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। सोशल मीडिया को लेकर के जैसे भ्रांतियां फैली हुई थी और काफ़ी सारी, तो दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि क्या सोशल मीडिया पर किस प्रकार का जो है प्रचार प्रसार होगा, अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, आम जो है जनता जो है उनके क्या कर्तव्य हैं और खास मीडिया को क्या करना चाहिए? सभी की हम लोगों ने, चाहे मीडिया के आप जैसे साथी हों, हमारे मित्र हों या फिर सभी जनप्रतिनिधि हों, हम लोगों ने उनकी वर्कशॉप की है, हम लोगों ने उनको बताया है, हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग भी दी है कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी का प्रश्न है, राजनीतिक पार्टी का संबंध है, उनको यदि कोई सोशल मीडिया पर विज्ञापन करना है या प्रचार प्रसार करना है, उसका MCMC कमेटी के द्वारा प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, उसका उपयोग उनको करना है। जहाँ तक निजी व्यक्ति है, यदि वो कोई अपनी राय रखना चाहता है या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज करना चाहता है जो कि पॉलिटिकली ना हो और जो किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करता है, उसके लिए कोई MCMC की कमेटी के प्री सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता नहीं है। मीडिया के साथियों के लिए ज़रूर एक बात है कि उनको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से उनकी न्यूज़ आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में या पेड न्यूज़ के दायरे में ना आए। तो इसके लिए हमने सभी साथियों को ट्रेनिंग दे रखी है और मेरे हिसाब से वो सभी एक्सपर्ट हैं, तो वो जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद भी हम लोगों ने सभी को बता रखा है कि जब भी कहीं किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो या लगे कि फिर से ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, तो हम लोगों को एक SMS या फ़ोन कॉल करें, तो हम लोग फिर से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। चलते चलते एक आम जनता का से जुड़ा सवाल, सबका कहना है कलेक्टर साहब बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो ये सख्ती सिर्फ आचार संहिता तक है या वास्तव में भी आप इतने ही सख्त हैं? देखिए, सख्त शब्द बड़ा इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। यदि शासन की योजनाओं को या शिक्षा में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार या शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन कराना हो, अगर ये सख्ती है तो मेरे हिसाब से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। और यदि सख्ती इस उद्देश्य से है कि शहर में कोई तनाव ना हो, सभी लोग अपने त्यौहार मना पाएँ और सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रह पाएँ, तो हम लोग एक अच्छे सुशासन की ओर फिर से जा रहे हैं। पर मैं यही आपके माध्यम से कहूँगा कि सख्ती सिर्फ गलत कामों के लिए है, गलत लोगों के लिए है, अन्यथा सभी लोग जो अच्छे काम करते हैं, चाहे वो शासकीय सेवक हों या आम आदमी हों, ऐसे सभी काम जो जनता की सुविधाओं में बढ़ोतरी करें, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, उसके लिए कहीं कोई सख्ती नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब वैसे सख्त नहीं है, सिर्फ सुशासन के लिए सख्त हैं, यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर कलेक्टर साहब ने कही। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।